बायसी थाना क्षेत्र के आस्था मोबैया में एक विवाहिता अपने बच्चे के पिता के नाम के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। विवाहिता का कहना है कि उसका पति और ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे, जिसके बाद प्रताड़ना से तंग आकर वो अपने मायके चली आई। जब वो मायके आई तब वो गर्भवती थी। महिला ने मायके आने से 4 माह बाद अपने पति को गर्भ की बात बताई। वहीं पति ने बच्चे को नाजायज करार देते हुए इसे अपनाने से इनकार कर दिया, जबकि पत्नी का कहना है कि ये बच्चा उसके पति का ही है। वहीं इस मामले में पति ने किशनगंज थाने में और पत्नी ने बायसी थाने में एक दूसरे के ऊपर आवेदन दिया है। खैर ये तो डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि बच्चा किसका है, मगर जिस तरह दोनों एक दूसरे के ऊपर केस किया है, इससे रिश्ता और खराब होने की गुंजाइश है। बायसी से सिटी हलचल के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। मेरा बेटी का 4 साल शादी हो गया जी, और देखने नहीं पाता है। लड़का का माँ भी बहुत खराब है और लड़का देखने नहीं पाता है। लड़का कोर्ट मरीज कर लिया जाके, और हम किशनगंज जिला में हम दिए और बैसी थाना में हम दिए, कोई सुनवाई नहीं करता है। मेरा बाप क्या कह रहा है आपका बेटी को? बोलता है जो हम आपको देखने नहीं चाहते हैं करके, दोनों बाप बेटा बोलता है जो यहाँ दस्तखत करो, टिप्पा लगाओ और तुम्हारा बेटी को नहीं रखेंगे। अभी एक भरी सोना मांगता है, 1 लाख रुपया मांगता है, 1 मोटरसाइकिल मांगता है, और 80,000 रुपया हम दिए हैं, सारे बदन गहना दिए हैं, और जितना दान दहेज लगता है सब हम दे दिए। वो खोजे थे मोनिच की। लड़का क्या रहा, क्या कह रहा? बच्चा मेरा नहीं है। बच्चा मेरा नहीं है। मारो छे भगे दी छे। के भगाता है? मेरा पति। क्या नाम है उसका? दिवस शर्मा।